कई बार ओवरीज में सिस्ट बन जाती है। सिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। उसमें क्या होता है यार? I'm Dr. Puneet Kuchar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। अब ओवेरियन सिस्ट क्या होती है पहले ये समझना जरूरी है। सो हमारी बॉडी में दो ओवरीज होती हैं। अगर आप यहाँ देखें, ये हमारा यूट्रस है, इसके साथ में हमारी राइट और लेफ्ट ओवरीज होती हैं। इन ओवरीज का काम होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अंडे प्रोड्यूस करना। सो एवरी मंथ वन ऑफ द ओवरीज प्रोड्यूसेस वन एग एंड इफ दिस इज फर्टिलाइज्ड इट रिजल्ट्स इन अ प्रेगनेंसी। कई बार ओवरीज में सिस्ट बन जाती है। सिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। उसमें क्या होता है, या पानी है या ब्लड है या और किसी प्रकार का फ्लूइड है जो इनमें इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से ओवरीज का साइज थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, उसमें एक गुब्बारा जैसा बन जाता है। इसको एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में सिस्ट कहा जाता है। अब सिस्ट तीन प्रकार की होती हैं। द कॉमनेस्ट इज अ सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट इज अ सिस्ट जिसमें क्लियर फ्लूइड होता है। ये यूजुअली फॉलिकुलर सिस्ट हो सकती है या कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट हो सकती है। सो ये आपकी साइकिल में हार्मोनल चेंजेस के कारण बनती है, ये अबनॉर्मल नहीं होती। आप एक किसी रैंडम फीमेल का 12 महीने में अल्ट्रासाउंड करें हर महीने, तो एक या दो महीने में आपको एक सिस्टिक डेवलपमेंट दिख जाएगा ओवरीज में। कई बार हमारा फॉलिकल जो बनता है वो पूरी तरह रप्चर नहीं होता, उसमें फ्लूइड फॉलिकल में रह जाता है जो हमें अल्ट्रासाउंड में सिस्ट दिखती है। इनके लिए कुछ नहीं करना होता। सो ऑल यू नीड टू डू फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्ट इज अ फॉलो अप अल्ट्रासाउंड आफ्टर 2 months एंड यूजुअली दे रिजॉल्व ऑन देयर ओन। दे आर नॉट प्रॉब्लमैटिक, दे आर नॉट अ पैथोलॉजी, दे आर नॉट अ डिजीज। सो इनके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं होती। कुछ सिस्ट पैथोलॉजिकल होती हैं। सो जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरी में पानी ना भर के चॉकलेट कलर का फ्लूइड भर जाता है। ये क्यों बनती है? रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन से। माने हर महीने जब हमें पीरियड आता है हमारा फ्लो बाहर की तरफ निकलता है। कई बार थोड़ा सा ब्लड ट्यूब्स के द्वारा उल्टा जाकर पेल्विस में कहीं या ओवरीज में कहीं डिपॉजिट हो जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट ग्रोज एज अ सिस्ट। दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। सो ये सिस्ट दिक्कत करती हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे कि इनसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी कंडीशंस होती हैं जिनको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर जरूरी नहीं है कैंसरस हो। मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स और ओवेरियन सिस्ट विच आर पैथोलॉजिकल आर बिनाइन। इसमें कई प्रकार की होती हैं, सीरस सिस्ट एडेनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडेनोमा, ज़्यादातर बिनाइन होती हैं, कैंसरस नहीं होती। पर अगर इनमें से कोई सिस्ट है तो वो अपने आप गायब नहीं होगी, उसको इलाज की जरूरत पड़ेगी, यूजुअली सर्जिकल रिमूवल की जरूरत पड़ेगी। अब सिस्ट के कारण आपको सिम्टम क्या हो सकते हैं? मेजॉरिटी ओवेरियन सिस्ट एसिम्टोमेटिक होती है, तो ज़्यादातर केसेस में फीमेल को पता ही नहीं होता कि आपके पास सिस्ट है, आपके अंदर सिस्ट है ओवरीज में। अगर कोई अल्ट्रासाउंड किया जाए कई बार उसमें दिख जाता है सिस्ट है। सो यूजुअली अगर सिस्ट एसिम्टोमेटिक है और सिंपल है उसका कुछ नहीं करना होता। मान लीजिए आपको अल्ट्रासाउंड में सिस्ट डायग्नोज हुआ है तो हम यूजुअली सिस्ट को फॉलो अप पे रखते हैं। हम ट्रीटमेंट करना ही नहीं करना डिपेंड करता है उसका साइज कितना है और आपको सिम्टम्स क्या हो रहे हैं और सिस्ट कैसी दिख रही है। सो मैंने आपको पहला बताया कि एसिम्टोमेटिक होती है। कई लोगों को पेन होता है। अब अगर सिस्ट का साइज बड़ा है, लेट्स से इट इज मोर देन 4-5-6 सेंटीमीटर, हो सकता है वो हल्का हल्का डल एकिंग पेन कर रही हो खिंचाव के कारण। कई बार सिस्ट में टॉर्शन हो जाता है। टॉर्शन माने उसका ये जो पेडिकल है जिससे वो ओवरी को अटैच्ड है ये घूम जाता है। टॉर्शन के कारण सिस्ट को या ओवरी को ब्लड सप्लाई तुरंत बंद हो जाता है जिससे अक्यूट पेन होता है। सो दैट इज अ कंडीशन विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। कई बार पेन नहीं होता, सिर्फ पेट में या अब्डोमेन में पानी बढ़ने लगता है। सो अगेन दैट इज एन इंडिकेशन दैट देयर माइट बी समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। सो ये यूजुअली सिम्टम्स रहते हैं। अब मैंने आपको बताया डायग्नोसिस यूजुअली अल्ट्रासाउंड से होता है। अल्ट्रासाउंड अब्डोमिनल, ट्रांस अब्डोमिनल भी किया जा सकता है, वजाइनल भी किया जा सकता है। वी यूजुअली प्रेफर वजाइनल अल्ट्रासाउंड्स टू डायग्नोस पेल्विक पैथोलॉजीज। अगली चीज आती है सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या किया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया अगर सिंपल सिस्ट है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, हम उसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखते हैं। हम यूजुअली 2 महीने बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं और इनमें से मेजॉरिटी अपने आप डिजॉल्व हो जाती है। समटाइम्स वी गो इन फॉर मेडिकल मैनेजमेंट। सो कई बार
ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स या कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स दी जाती हैं ओवरी को सप्रेस करने के लिए, जिससे कि सिस्ट दोबारा ना बने। अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे। लेट्स से अ पेशेंट हैज क्रॉनिक पेल्विक पेन या डिस्परूनिया हो रहा है, डिसमेनोरिया, पीरियड के दौरान आपको पेन हो रहा है, इंटरकोर्स के दौरान आपको पेन हो रहा है, पर फिलहाल आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ऐसे केसेस में दे रेकमेंड मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिसिन या टैबलेट्स होती हैं जिनकी यूजली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, एंड दे हैव टू बी गिवन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समटाइम्स फॉर 3 months, 6 months, समटाइम्स इवन फॉर मोर देन अ ईयर। सो इन दवाइयों से सिस्ट सप्रेस हो जाती है, साइज में रिग्रेस करके कई बार बिल्कुल गायब हो जाती है, कई बार आधे से कम साइज की रह जाती है, और सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। द ओनली ड्रॉबैक इज दैट यू कैनॉट कंसीव व्हाइल यू आर टेकिंग दीज मेडिसिन। सो अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, यूजुअली सिस्ट के लिए मेडिकल मैनेजमेंट नहीं दिया जाता। अगर सिस्ट एसिम्प्टोमैटिक है तो यूजुअली उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू द इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस। पर अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है और आप साथ में प्रेगनेंसी भी प्लान करना चाहते हैं, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द सिस्ट इज यूजुअली रिकमेंडेड। सर्जरीज आजकल ज़्यादातर लैप्रोस्कोपिक की जाती हैं, तो दूरबीन के द्वारा सिस्ट को निकाला जा सकता है या उसे ड्रेन किया जा सकता है, यूजुअली मेजर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सो इफ यू बीन डायग्नोज विद एन ओवेरियन सिस्ट, आई वुड सजेस्ट दैट डू नॉट पैनिक। मेजॉरिटी सिस्ट दिक्कत नहीं देती, ना कंसेप्शन में, ना आगे जाके आपकी बाकी लाइफ में। प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।